प्रभु श्री राम जो है वो रथ पर सवार होकर जो है वो रावण वध करने के लिए जा रहे हैं, और हनुमान जी को आप देख रहे हैं कि क्रेन के जरिए आगे बढ़ते हुए। सोने की लंका जो है वो जल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, और इस वक्त जो है वो आरती जो है वो प्रभु श्री राम की जा रही है। तस्वीरें देखिए, मेघनाथ जो है वो जल रहे हैं, और अब जो है वो रावण जो है वो जलेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं, जहां पर तस्वीरें देखिए, सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, साथ में आपको नजर आ रहे होंगे लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव और स्थानीय बीजेपी के सांसद रवि शंकर प्रसाद। दरअसल आज जो है वो रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो पटना के गांधी मैदान में आयोजन जो है वो किया गया, और बीते 68 सालों से कुछ इसी तरीके से हर साल जो है वो आयोजन जो है वो किया जाता रहा है। कोरोना काल को छोड़ दे तो हर साल इसी तरीके से आयोजन जो है वो किया जाता है। और मंच पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। श्री दशहरा कम्युनिटी ट्रस्ट के तरफ से बीते 68 सालों से कुछ इसी तरीके से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाता है। मंच पर तमाम जो माननीय हैं अतिथिगण हैं वो पहुंच चुके हैं। देखिए अब जो है श्री राम जो है वो आ रहे हैं, ये एक प्रत्यात्मक तौर पर जो है वो हर साल किया जाता है। श्री राम आते हैं, लंका जाते हैं अशोक, और सबसे पहले सोने की लंका को ख़त्म किया जाता है, फिर जो है रावण के भाइयों को जलाया जाता है, और फिर आखिरी में रावण को जलाया जाता है। इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, वो राम की एंट्री जो है वो इस वक्त हो रही है। राम के आगे घोड़सवार होंगे, कुछ घोड़सवार देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी, आपको यहाँ से नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा दूर है कैमरा, लेकिन हम आपको हर तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। घुड़सवार के पीछे राम की एंट्री जो है वो अब हो रही है। सब कुछ एक तरह से प्रत्यात्मक तौर पर जो है वो किया जाता है, और इसका मकसद यही है कि हम सीखें, हम जानें कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और ये हम समझें कि वक्त कोई भी हो लेकिन जीत जो है वो अच्छाई की होती है बुराई पर। ये सब कुछ यही मैसेज के साथ जो है वो हर साल मनाया जाता है श्री दशहरा कम्युनिटी ट्रस्ट की तरफ से पटना के गांधी मैदान में। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आयोजन जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर आपको राम नज़र आ रहे होंगे, लक्ष्मण नज़र आ रहे होंगे, और एक युद्ध जो कि त्रेता युग में लड़ा गया, उस युद्ध को फिर से एक बार दर्शाने की कोशिश, प्रतीकात्मक तौर पर मैसेज देने की कोशिश। और ये मैसेज इसलिए कि जीत जो है हमेशा अच्छाई की होती है, बुराई पर वक्त कोई भी हो, और एंट्री अब हो रही है। पहले उनके आगे आगे उन जो है वो घुड़सवार थे, उनके चाहने वाले थे, और फिर अब प्रभु श्री राम जो है वो रथ पर सवार होकर जो है वो रावण वध करने के लिए जा रहे हैं। सबसे आगे राम हैं, उसके पीछे जो है वह देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके पीछे भी और कई सारे रथ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बानर की सेना भी प्रभु श्री राम के साथ जो है वो नज़र आ रही है, श्री राम के रथ के पीछे बानर सेना भी मौजूद है। सब कुछ उसी तरीके से एक तरह से सभी लोग जो हैं वो कलाकार होते हैं, और सब कुछ दर्शाया जाता है इस तरीके से कि लोग जो देखें वो ऐसा महसूस करें कि ये हो रहा है। और भीड़ की अगर बात करें तो इस बार पिछले साल के मुकाबले जो दिख रहा है तस्वीरों के माध्यम से कि लोग जो हैं वो कुछ भीड़ जो है वो खचाखच पूरे गांधी मैदान में भरी हुई है, और हनुमान जी को आप देख रहे हैं कि क्रेन के जरिए आगे बढ़ते हुए। हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी, और ये देखिए देखिए किस तरीके से सब कुछ जो है वो आयोजन जो है वो किया गया। हनुमान जो है वो फूल बरसा रहे हैं, जो भी लोग आसपास मौजूद हैं, ये
ये एक एक उत्सव है, एक एक उमंग है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्यपाल भी मौजूद हैं, हैं स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं, और इस वक्त जो है वो प्रभु श्री राम की आरती जो है वो की जा रही है। विजुअल में आपको जो है वो घेरा दिख रहा होगा, उसी घेरे के अंदर जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, और इस वक्त जो है वो आरती जो है वो प्रभु श्री राम की जा रही है, और इस आरती के बाद जो है वो रावण वध कार्यक्रम को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। सोने की लंका जो है वो जल रही है, तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, सोने की लंका जो है वो धू धू कर जलती हुई जो है वो नजर आ रही है, ऊपर धुआं और धुएं के पीछे नीचे जो है वो आग जल जल कर जल रही है सोने की लंका, और उसके बाद जो है वो रावण का जो है वो दहन होगा। तस्वीरें हम आपको पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। चलिए तस्वीरें देखिए, मेघनाथ जो है वो जल रहे हैं इस वक्त, मेघनाथ के बाद कुंभकर्ण को जो है वो जलाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक पटना के गांधी मैदान में हर साल मनाया जाता है। दशहरा के बाद रावण वध कार्यक्रम बीते 68 सालों से इस तरीके से कार्यक्रम जो है वो मनाया जा रहा है, और अब जो है वो कुंभकर्ण को जो है वो जलाया जाएगा। और देख सकते हैं कि चारों ओर लोगों की खचाखच भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। पटना के लोगों को ये कार्यक्रम जो है वो खासा आकर्षित करता है, खासा जो है वो पटना के लोग इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं। यही वजह है कि नेचुरल सी भीड़ जो है वो पटना के गांधी मैदान में दिख जो है वो रही है। सबसे बड़ी खास बात है कि पूरा परिवार जो है अपने बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए आता है, और ये कार्यक्रम बड़ा ही मैसेज जो है वो क्लियर है कि आप अच्छे काम कीजिए, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी का भी क्यों ना हो, कभी नहीं रहा, रावण का ही नहीं रहा तो आपका और हमारा जो है वो क्या रहेगा। और अब जो है वो कुंभकर्ण जो है वो जलते हुए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुंभकर्ण जो है वो जल रहे हैं, देखिए धू धू कर जलते हुए कुंभकर्ण, चारों तरफ लोग जो हैं उनको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और सबों के हाथों में सबसे बड़ी बात कि फोन नज़र भी आ रहे हैं। कुंभकर्ण को जलते हुए देखिए पटना के गांधी मैदान से, अब बारी है रावण की। अहंकार किसी का भी नहीं रहा, त्रेता युग में भी नहीं रहा था, कलयुग की बात ही छोड़िए, और यही मैसेज जो है वो दिया जाता है, जब रावण का अहंकार धू धू कर जल गया तो आपका हमारा क्या है। और अब जो है वो रावण जो है वो जलेगा, मेघनाथ और कुंभकर्ण जो है वो जल चुके हैं, और देख सकते हैं कि अब रावण की बारी है और रावण जलेंगे, और यही कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहता है। और चारों ओर देखिए आतिशबाजी इस वक्त जो है वो आसमान में की जा रही है।